कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो मैंने आपको बता दिया। इम्पॉर्टेंट फार्मूलों से मैंने आपको रूबरू करवा दिया है और पिछली 3 क्लासेस से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि इसकी 1 क्लास मैं और लेने वाला हूँ जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि cos 9° + sin 9° डिवाइडेड बाई cos 9° माइनस sin 9° आपको इसका मान बताना है। आपके ऑप्शंस हैं cot 64°, ऑप्शन बी है cot 36°, ऑप्शन सी है tan 26°, एंड ऑप्शन डी है tan 54°। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आपने क्वेश्चन देख भी लिया होगा, तो आप सॉल्व करने का प्रयास करें। जब तक मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है कि cos 17° प्लस sin 17° डिवाइडेड बाई cos 17° माइनस sin 17° का मान, आपको मान बताना है इसका। ऑप्शन है आपका cot 62°, ऑप्शन बी है tan 38°, ऑप्शन सी है tan 62°, ऑप्शन डी है cot 36°। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि tan a प्लस बी माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए प्लस बी, ये बताना है आपको ये किसके इक्वल है। और आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपके ऑप्शंस हैं tan a, ऑप्शन बी है tan a प्लस बी, ऑप्शन सी है tan b और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि cos बीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस अल्फा का मान होगा, आपको इसका मान बताना है। आपके ऑप्शंस हैं sin बीटा, ऑप्शन बी है साइन अल्फा, ऑप्शन सी है कॉस अल्फा, ऑप्शन डी है cos बीटा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो टेन अल्फा कॉट बीटा का मान आपको बताना है। ऑप्शन है पाई 1 -1 0। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, और आपने क्वेश्चन अगर देख लिया है तो आपने सॉल्व करना भी शुरू कर दिया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के हमने शुरुआत के 5 प्रश्न यहाँ पर लिख लिए हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 माइनस साइन 9, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं करना है, एंगल देखो सेम है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, कॉस है साइन है, कॉस है साइन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में भी आपको कॉस से भाग कर देना है, नीचे वाले में भी आपको कॉस से भाग कर देना है, या फिर आप कॉस को कॉमन कर सकते हो, दोनों तरीका एक ही होता है। तो मैं अंश में भी कॉस 9 डिग्री से भाग कर दूंगा और हर में भाग कर दूंगा। जब मैं भाग करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 9 बटे में कॉस 9, बोलो भाई, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 9 बटे में साइन 9। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अपॉन यहाँ भी करूँगा तो हो जाएगा कॉस 9 अपॉन में कॉस 9, और यहाँ हो जाएगा साइन 9 अपॉन में साइन 9। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी देखो इससे कट गया, ये कट गया, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ यहाँ कास होगा ना, कास, और यहाँ भी कास होगा, हमने कास से भाग लगाया है। साइन बटे कास क्या होता है, टेन होता है, तो ये हो गया 10 9 अपॉन में, ये हो गया 1 -10 9। ऐसा चीज ऐसा जब भी आप आपके सामने दिखे कि 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 -टेन थीटा, अगर ऐसा कहीं भी दिखता है कि 1 प्लस टेन थीटा बटे में 1 -टेन थीटा, तो ये होता है 10 45 प्लस थीटा। क्या होता है, 10 45 प्लस थीटा, या फिर इसे ही हम लोग 10 π/4 लिखते हैं। 45 को क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं, तो ये हो जाता है 10 π/4 प्लस थीटा। अब देखो ध्यान से, ये लिखा है 1 प्लस टेन 9 1 -टेन 9, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 10 45 प्लस 9। भाई 1 प्लस थीटा अपॉन 1 -टेन थीटा क्या होता है, 45 प्लस थीटा होता है, तो होगा 45 प्लस 9, और 45 में 9 को जोड़ोगे कितना होगा, 54 होगा, तो आपका आंसर आया 10 54 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है वही करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ये कैसे आता है, इसमें कुछ नहीं है, एक को आप लिख सकते हो 10 45, तो ये होगा 10 45 प्लस 10 9 बटे में 1 -10, यहाँ पर 10 45, इसको ऐसे आप कर सकते हो। देखो ध्यान से, आंसर तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर लिखा है 1 प्लस टेन 9 अपॉन में 1 -टेन 9, ऐसे लिखा है, तो इसमें आप एक से तो गुणा कर ही सकते हो ना, एक से गुणा करने पर इसके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक को हम लिखेंगे कैसे, देखो इस एक को मैं लिख दूंगा 10 45, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है, प्लस 10 9 अपॉन में 1 -1 को लिखूंगा 10 45, और ये तो 10 9 है ही, अभी बन गया 10 a + 10 b अपॉन 1 - 10 a 10 b, तो ये 10 a + b का फार्मूला बन गया, यानी 45 + 9, और ये आ जाएगा आपका 10 54 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे तो आंसर इस तरह से निकालते हैं। अब इसका शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान में रखें, अगर तो आपसे टाइम आपका बच जाएगा। अगर लिखा है कहीं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर ऐसा लिखा गया है तो ये डायरेक्ट इक्वल होता है किसके, ये डायरेक्ट इक्वल होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा के, और इसको आप लिख सकते हो 10 45 प्लस थीटा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। तो अगर कहीं ऐसा दिखता है तो हम इसको ऐसे इस फॉर्म में करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया कि कैसे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अब देखो सेम पैटर्न है, यहाँ 9 था, यहाँ 17 है, कॉस 17 प्लस साइन 17 बटे में कॉस 17 माइनस साइन 17, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा सॉल्व करने थोड़ी जाएंगे। अब हमें पता चल गया कि ये क्या होगा, ये होगा 10 45 प्लस 17, यही तो होगा, और 45 और 17 को जोड़ लो, 7 5 12 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, 10 कितना आ गया, 10 62 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा है टेन ए प्लस बी माइनस टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला बन रहा है, इसको अगर आप पूरे को ए मानो तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो ये बन गया टेन ए माइनस बी का फार्मूला। ए की जगह पर है ए प्लस बी और बी की जगह पर है ए, ए से ए कट गया, क्या आ गया टेन बी आ गया, क्या आ गया टेन बी आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, कास अल्फा इंटू कास बीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस अल्फा। तो इसको अगर हम ए माने इसको हम बी माने तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कास ए प्लस बी का फार्मूला बना। मैंने आपको फार्मूले वाले क्लास में बताया था कि अगर बीच में माइनस तो ए प्लस बी का बनेगा और अगर प्लस है तो माइनस का बनेगा, कास में उल्टा चलता है। तो ये हो गया कास ए प्लस बी का फार्मूला, ए की जगह पर अल्फा है एंड प्लस बी की जगह पर बीटा माइनस अल्फा है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉस बीटा बचेगा, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा है, तो आपको टेन अल्फा कॉट बीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, ये जो साइन अल्फा साइन बीटा है इसको इधर लेकर आओ, तो इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कितना हो गया, इधर तो वन ही बचेगा। अगर हम अल्फा को ए माने बीटा को बी माने तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी बन रहा है, तो ये हो जाएगा कास ए प्लस बी का यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। वन कास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन है, तो हम ध्यान रखेंगे कि इधर कास है तो इधर भी कास बना लें, तो कास कितनी डिग्री की वैल्यू वन होती है, तो कास जीरो की वैल्यू वन होती है, तो इधर हो गया कास जीरो। ठीक है, कास से कास को हटा दें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। अगर हम बीटा को उधर लेकर जाते हैं तो माइनस बीटा हो जाएगा, दोनों तरफ हम टेन ले लेते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे टेन लेंगे, तो इधर हो गया टेन अल्फा इक्वल टू इधर हो गया टेन माइनस बीटा, माइनस आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू माइनस टेन बीटा, और टेन बीटा को इधर शिफ्ट करोगे तो आएगा टेन अल्फा बटे में टेन बीटा, इधर बचेगा माइनस वन, दोनों तरफ हमने टेन बीटा से भाग कर दिया, तो इधर टेन बीटा नीचे जाएगा, इधर टेन बीटा होगा कट के माइनस वन बचेगा। वन बटे टेन बीटा को हम काट ले सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि टेन का उल्टा काट होता है, तो ये हो गया टेन अल्फा काट बीटा इक्वल टू कितना माइनस वन, तो टेन अल्फा काट बीटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन हैं आपके, आप देख रहे हैं कि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूला अगर आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्री के तो लगभग 60% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, बचे 40% प्रॉब्लम तो उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग भी नहीं लगाना अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है कि काश 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 80 डिग्री का मान क्या होगा, आपको मान इसका बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 3/16, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/16 और ऑप्शन डी है 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर दिख जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जहां भी आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है टेन अल्फ़ा इक्वल टू 5/6 और टेन बीटा इक्वल टू 1/11, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5/3, 5/3 मतलब कितना 60 डिग्री, ऑप्शन बी है पाई, ऑप्शन सी है 5/4 एंड ऑप्शन डी है आपका 5/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका टेन 5/4 प्लस थीटा इंटू टेन 3/4 प्लस थीटा, इसका आपको मान बताना है, इसका मान। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं माइनस वन, बी है जो वो टेन स्क्वायर थीटा है, सी है आपका 0 एंड डी है आपका 1। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है कि कास
15 डिग्री का मान, आपको काश 45 15 डिग्री का मान बताना है। ऑप्शन से आपके √3 + 1/2 √2, ऑप्शन बी है आपका और √3 + 1/2, ऑप्शन सी है आपका √3 + 1/√2, ऑप्शन डी है आपका √3 - 1/2 √2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि टेन थीटा इक्वल टू m - 1/m और टेन फाई इक्वल टू है m/m-1, तो आपको थीटा प्लस फाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 0, π/2, 1/m+1/2 / m·1, और ऑप्शन डी है आपका −1/m·1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, चलिए इनको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, कह रहा है काश 20, काश 40, काश 60, काश 80 का मान बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ तो काश में है, आपके सामने साइन में भी हो सकता है, आपके सामने टेन में भी आ सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं किनारे लिख रहा हूँ, मैं तीन फार यहाँ पर ट्रिक लिखने वाला हूँ, एक साइन को लेकर, एक काश को लेकर और एक टेन को लेकर। सबसे पहले मैं बात करूँगा साइन को लेकर। अगर साइन थीटा, साइन 60 - थीटा, साइन 60 + थीटा हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 sin 3 थीटा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे लागू होता है। दूसरा है cos 60 - थीटा और cos 60 + थीटा हो तो इसकी भी वैल्यू होती है 1/4 cos 3 थीटा। यहाँ साइन है तो यहाँ साइन है, यहाँ कास है तो यहाँ कास होगा। और तीसरा है टेन थीटा हो, टेन 60 - थीटा हो और टेन 60 + थीटा हो तो इसकी वैल्यू होती है tan 3 थीटा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन को अगर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो पहली बात तो कास 60 की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू तो 1/2 हो जाएगी। बचे कास 20, कास 40 और कास 80, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, किन्हीं दो को एक साथ में लोगे, 2 से गुणा 2 से भाग लगाओगे, उसके बाद आप 2 cos A cos B का फार्मूला लगाओगे और वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ये ट्रिक याद रखना है। क्वेश्चन आपका है कास 20, कास 40, कास 60, कास 80। जब चार वैल्यू दी जाएंगी आपके सामने तो ध्यान रखिएगा, एक वैल्यू तो कम से कम आपके सामने ऐसी होगी जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। जैसे कास 20 आप नहीं जानते, कास 40 नहीं जानते, कास 80 नहीं जानते, लेकिन कास 60 जानते हैं, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो ये तो 1/2 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अंदर कौन बचेगा, अंदर बचेगा आपका कास 20, कास 40, कास 80। ठीक है, यही तो बचेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है cos θ (cos θ - 60 - θ, cos 60 + θ) है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 cos 3 θ। अब थीटा किसको मानेंगे, देखो अगर मैं 20 को थीटा मान लूँ तो ये क्या है, ये आपका 60 - θ है। ध्यान से देखो, 60 में से अगर 20 को घटाओगे तभी तो 40 आएगा और ये आपका क्या है, 60 + θ है। तो बन गया आपका ये वाला फार्मूला cos θ (cos 60 - θ) (cos 60 + θ), तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 1/4 cos 3 और थीटा की जगह पर कौन है, थीटा की जगह पर 20 है, तो ये हो गया 20। यही तो होगा भाई, थीटा को हमने 20 मान लिया, ठीक है, 20 को हमने क्या किया, थीटा मान लिया, तो ये बन गया cos θ (cos 60 - θ) (cos 60 + θ) और इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है 1/4 cos 3 θ होता है, तो ये हो गया। आगे 1/2 होगा ही होगा, ये हो गया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसको मैं लिख के बता रहा हूँ, लिख के बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, है ना। थीटा को हमने तुरंत 20 मान लिया, जैसे हमने 20 माना वैसे भी आपको दिखेगा कि 20, 60 में से 20 घटाया 40, 60 में 20 जोड़ा 80, तो ये बन गया 1/4 cos 3 थीटा, थीटा की वैल्यू 20,
तो 20 का मान यहाँ रखोगे, 20 या 60, और cos 60 का मान कितना, 1/2, तो 1/4 पहले है, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, सबका मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 8 × 16, आंसर आ गया 1/16, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही साइन के साथ भी हो सकता है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना, 1/4 sin 3 थीटा। साइन और कास दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, साइन है तो यहाँ साइन हो जाएगा, कास है तो यहाँ कास हो जाएगा। अगर टेन होता तो टेन वाले में 1/4 आगे नहीं होता, केवल टेन 3 थीटा होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, ये बहुत ही काम का है। कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप एग्ज़ाम देने जाओगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ पर इन फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है टेन अल्फा इक्वल टू 5/6, टेन बीटा इक्वल टू 1/11, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इनको मिटा सकूं और आगे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, तो एक काम करते हैं, हम टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा लेते हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा प्लस बीटा, मैंने टेन अल्फा इंटू टेन बीटा मैंने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो बस टेन अल्फा की वैल्यू 5/6 है, यहाँ 5/6 रख दो, 5/6 प्लस में 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। अब इसका गुणा होगा 11 × 5 = 55, 6 × 6 = 55, और 6 कितना होगा, 61 हो जाएगा। ये तो 11 × 6 = 66, यहाँ कटने वाला, क्योंकि यहाँ भी 66 होगा और नीचे भी 66 आएगा, तो ये कट जाएगा, नीचे वाले की बात नहीं करना। ये 66, 11 × 6 = 66, 61 = 66, और 66 में से 5 निकलेगा कितना आएगा, 61, तो ये कट के 1 हो गया। ठीक है, तो आ गया टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, 5/4, क्योंकि हम जानते हैं टेन की वैल्यू 45 डिग्री पर 1 होती है। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन 5/4 प्लस थीटा इंटू टेन 3/4 प्लस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है देखो। अच्छा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया ना, सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें टेन थीटा इक्वल टू एम माइनस 1/m, टेन फाई इक्वल टू एम बाई एम माइनस 1, यहाँ पर 5/6, यहाँ पर 1/11 दिया था, तो आपको थीटा प्लस फाई की वैल्यू बतानी है। तो जैसे यहाँ पर अल्फा बीटा था, वैसे यहाँ पर थीटा और फाई है, तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, कह रहा है टेन 5/4 प्लस थीटा। तो अगर हम टेन 5/4 प्लस थीटा की बात करें, तो 5/4 का मतलब होता है 45, तो टेन 45 प्लस थीटा क्या होता है। अब ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, टेन 45 प्लस थीटा होता है 1 + tan θ अपान में 1 - tan θ। क्यों, क्योंकि आप टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाओगे तो आपको यही मिलेगा। अब ये कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी होंगी, इंटू 3π/4 होता है 135 डिग्री, टेन 135 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 होती है, टेन 135 का मान कितना होता है, माइनस 1। भाई टेन 135 है, तो इसको आप क्या लिखोगे, टेन 90 + 45, ये तो लिखोगे, और टेन 90 + θ होता है माइनस कॉट थीटा, यानी कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू 1, तो माइनस 1, तो टेन 135 क्या होगा, माइनस 1 होगा, तो ये हो गया माइनस 1। तो टेन ए प्लस टेन बी, तो टेन 135 की वैल्यू माइनस 1, फिर ये टेन थीटा हो गया अपान में 1 - tan a tan b होता है, तो 1 - tan a, टेन 135 की वैल्यू माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन थीटा। अब इसको आराम से सॉल्व करोगे, टेन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ लगा देना, फिर टेन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ लगा देना, टेन 45 जहाँ भी मिलेगा वहाँ 1 रख देना, टेन 135 जहाँ मिलेगा वहाँ माइनस 1 रख देना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अब एक काम करो, यहाँ ऊपर से माइनस
कॉमन कर लो। जैसे आप माइनस कॉमन करोगे तो वन आपका हो जाएगा पॉजिटिव और टेन थीटा हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो वन प्लस टेन थीटा यहाँ इससे कट जाएगा, वन माइनस टेन थीटा यहाँ इससे कट जाएगा, माइनस वन बचेगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कह रहा है कास 15 डिग्री का मान क्या होगा। 15 है तो 15 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, पहला होगा आपका 45, दूसरा होगा आपका 30। 45 में से 30 निकालोगे कितना आएगा, 15 आएगा। आपको 15 डिग्री को दो ऐसे भागों में तोड़ना जिसका मान आप जानते हैं। कास 45 की वैल्यू भी पता है, साइन 45 की वैल्यू भी पता है, कास 30 की वैल्यू पता है और साइन 30 की वैल्यू भी पता है। तो बस कास ए माइनस बी लगा दो। तो कास ए माइनस बी क्या होता है, कास ए कास बी प्लस में साइन ए साइन बी, यही तो होता है। तो बस कास 45 की वैल्यू 1/√2, कास 30 1/2 प्लस में साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, यही तो होगी। सॉरी, कास 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। क्या होती है, √3/2 होती है। कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कास 30 तो √3/2 होता है। अब इनका एलसीएम लोगे तो 2√2 यहाँ भी, 2√2 यहाँ भी, तो नीचे तो 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, और ऊपर देखो यहाँ पर हो गया √3 और यहाँ पर हो गया प्लस 1, तो √3 प्लस 1/√2, तो √3 प्लस 1/√2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन 15 डिग्री का मान। आपके ऑप्शंस हैं, ए है √3 + 1/√2, ऑप्शन बी है √3 - 1/√2, ऑप्शन सी है √3 + 1/√2 और ऑप्शन डी है √3 - 1/√2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, टेन अल्फा इक्वल टू दिया गया है m/(m+1), टेन बीटा इक्वल टू दिया गया है m+1/(m), तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 0, बी है 3π/4, सी है π/2, डी है 2π/3। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि थीटा 0 डिग्री और 360 यानी 2π के बीच हो तो cos थीटा प्लस sin थीटा का न्यूनतम मान, यानी कम से कम मान बताना है आपको, कितने डिग्री पर होगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर होगा, या थीटा इक्वल टू π/2 पर होगा, या सी ऑप्शन है आपका थीटा इक्वल टू 3π/4 पर होगा, या आपका थीटा इक्वल टू 5π/4 पर होगा। 3π/4 नहीं है, π/4 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि अगर कास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 हो, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 हो, तो टेन 2α का मान बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 56/33, ऑप्शन बी है 56/11, ऑप्शन सी है
33/28 और ऑप्शन डी है 28/33। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में अभी साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। ठीक है, साइन 15 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने कॉस 15 का निकाला है, तो इसको भी हम साइन 45-30 कर देंगे, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डू योर सेल्फ। इतना सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, जिसमें दम नहीं होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अब ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। टेन अल्फा इक्वल टू एम बाई एम प्लस वन है, टेन बीटा इक्वल टू एम प्लस वन बाई एम है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा बताना है। तो सिंपली आप टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई, टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा अपॉन में वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, यही तो होगा। बस देखो, टेन अल्फा की वैल्यू है एम अपॉन एम प्लस वन, प्लस टेन बीटा की वैल्यू है एम प्लस वन अपॉन एम, और वन माइनस टेन अल्फा है एम अपॉन एम प्लस वन, और टेन बीटा है एम प्लस वन अपॉन एम। ठीक है, ऊपर मत देखना, एम से एम कट गया, एम प्लस वन से एम प्लस वन कट गया, यहाँ वन बचेगा, वन माइनस वन जीरो हो गया। किसी भी संख्या में जीरो से भाग करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो ये हो गया इनफाइनाइट। तो टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया। टेन इनफाइनाइट कितने डिग्री पर होता है, तो टेन इनफाइनाइट जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पाई बाई टू, यानी 90 डिग्री आएगी। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, आपके ऑप्शन में तो है ही नहीं, इसी को बना देते हैं पाई बाई टू, तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा की जब आप फार्मूले को लगाओगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई टू आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कह रहा है कि थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में, यानी 0 और 360 के बीच में है, तो आपको कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का न्यूनतम मान, यानी कम से कम मान बताना है। तो आपके ऑप्शन है थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर। तो एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, ये क्वेश्चन बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको मैक्सिमा मिनिमा से नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करो। आप एक काम करो, थीटा की वैल्यू 0 रखो। जैसे आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो कॉस थीटा 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, और साइन 0 तो 0 हो गया, तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, चलो अब की बार थीटा की वैल्यू पाई बाई टू रखो, तो यहाँ पर पाई बाई टू रखोगे तो कास पाई बाई टू, यानी कास 90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, तो ये भी 1 मिल गया, यानी इन दोनों पर तो इक्वल आ रहा है। ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर मतलब 45 अंश, तो कास 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2, यानी इसको जोड़ोगे तो 2/√2, यानी कुल मिला के आ गया 2। ठीक है, और रूट टू की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये एक आ रहा है, इस पर एक आ रहा है, और इस पर एक से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, आपको कम से कम चाहिए। थीटा इक्वल टू पाई बाई फाइव पाई बाई फोर है, फाइव पाई बाई फोर का मतलब कितना हो गया, 225 डिग्री। कितना हो गया, 225। अब भाई यहाँ पर आप 180 रख के 4 से भाग लगाओगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी 45 पंचे 225। ठीक है, तो ये आ गया 225। अब आपको यहाँ पर 225 अंश का मान रखना है, तो पहले 225 का मान निकाल लो। तो कास 225 का मान क्या होगा, देखो कास 225 को आप लिखोगे 270-45। 270 मतलब तीसरे वाले चतुर्थांश में, मैंने आपको चतुर्थांश बताया था, 270 से थोड़ा सा कम तीसरे वाले में जाओगे, तीसरा वाला जो घर होता है वो टेन काट का होता है, यानी ये निगेटिव आएगा, और कास 45 बनेगा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2। ठीक, ऐसे ही साइन के साथ भी होगा, ये भी आएगा, ये भी कितना आएगा, -1/√2। तो -1/√2 -1/√2 दोनों को जोड़ोगे तो -2/√2 आएगा, और -2/√2 का मतलब है -√2। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा था कि बताओ इसका न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान किस पर होगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, इस पर या इस पर। तो इस पर 1 आ रहा है, इस पर भी 1 आ रहा है, इस पर 1 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 1.14414 आ रहा है, और इस पर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो 1 से तो ज़्यादा है लेकिन निगेटिव में है। इसका मतलब कि इन चारों में सबसे छोटा मान आपको इस पर मिल रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13, तो टेन टू अल्फा बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहली बात, टेन टू अल्फा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टेन अल्फा प्लस अल्फा, टेन अल्फा प्लस अल्फा,
कोई दिक्कत नहीं, 2 अल्फ़ा हो जाएगा। अब इसी में मैं बीटा को जोड़ देता हूँ और बीटा को घटा देता हूँ, आपस में कट जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे को ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हो जाएगा टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी अपॉन में 1 माइनस टैन ए टैन बी, यही तो होगा बस। अब टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लो, लाके इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, कास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 है। कास क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो ये आपका क्या हो गया? आधार यानी बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया यानी हाइपोटेनस हो गया। तो आधार पता है, कर्ण पता है, तो आप लंब निकाल सकते हो। देखो भाई, यहाँ पर बेस आपका कितना है? 4 है। हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है? 5 है। तो लंब यानी परपेंडिकुलर कितना आएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 25 में से 16 घटाओगे 9 आएगा, 9 का वर्गमूल कितना? 3। तो ये हो गया 3। अब आपको कास अल्फा प्लस बीटा दिया था, आपको टेन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3। आधार कितना है? 4। तो ये हो गया 3/4। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आ जाओ, साइन थीटा बराबर कितना? 5/13 है। तो 5 क्या हो गया? 5 आपका लंब हो गया और 13 कितना हो गया? कर्ण हो गया। तो यहाँ पर जो लंब है वो 5 है और कर्ण जो आपका है वो 13 है। ठीक है, वो कितना है? 13 है। तो अब आपको बताना है कि आधार कितना होगा। तो कर्ण का वर्ग कर दो माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 13 का वर्ग 169 में से 25, यानी 5 का वर्ग 25, 169 में से 25 घटाओगे तो 144 आएगा, और 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12 हो जाएगा। ये आप आराम से कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। ठीक, अब आपको यहाँ से निकालना है टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा। तो टेन अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। तो ये हो गया 5/12। ठीक है, मान निकल गया। मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, अदरवाइज इसको हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो लंब क्या होगा? लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो आधार क्या होगा? ठीक है, रख दो मान, टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4। तो यहाँ 3/4, यहाँ 5/12 रख देते हैं। 3/4 प्लस में 5/12 अपॉन में 1 माइनस 3/4 गुणे में 5/12। ठीक है, 12 3 36, 5 4 20, 36 और 20 कितना? 56। ये 12 चौक 48 कट जाएगा, अभी यहाँ भी 12 चौक 48 आएगा, 12 चौक 48, 48 1 48, 48 में से 15 को घटा देते हैं, तो 48 में से 15 को घटाओ कितना आएगा? 33 आएगा। तो आपका आंसर आया 56/33, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको सब करा दिया है। तो बस अब आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते रहिए, पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमसे जुड़ सके, उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।